सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग भाषा माधुरी हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी भाषा माधुरी में अध्याय 3 को पढ़ेंगे। अध्याय 3 क्या है? दादी का गांव। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था पार्ट 2, ठीक काम करे, ठीक काम करे। ये इसके सबने पढ़ लिया था, प्रश्न उत्तर भी सबने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग भाषा माधुरी का अध्याय 3 पढ़ेंगे। बच्चों, दादी का गांव तो सभी को अच्छा लगता है। दादी का गांव, नानी का गांव, छुट्टियों में आप लोग जाते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है दादी का गांव जाना। बहुत मस्ती करते हैं हम लोग दादी के गांव में। हमेशा जब छुट्टियां होती हैं, गर्मी की छुट्टियां, तो मैं ज़रूर जाती हूँ। आप लोग भी जाते होंगे। दादी के गांव में क्या क्या होता है देखिए। ये दादी का गांव का सीन होता है, गांव का सीन ऐसा होता है बेटा दृश्य। कुछ कठिन शब्द है, पहले उनको देखें। रेलगाड़ी, पाठशाला, घोंसले, हरियाली, सुथरी, किनारे, थकान एंड चहचहाट, पक्षियों की चहचहाट। ठीक है, देखिए गांव में क्या क्या है। पाठशाला है, जहाँ बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बड़े भी पढ़ रहे हैं। बड़े रात में पढ़ रहे हैं और बच्चे दिन में पढ़ रहे हैं। किसान, ये देखिए किसान यहाँ है, किसान हल चलाने जा रहा है। ठीक है, शिक्षक यहाँ पढ़ा रहे हैं। झोपड़ियाँ हैं, हरियाली, हरे हरे पेड़ हैं। आइए तो हम लोग पढ़ते हैं दादी का गाँव। ठीक है, दादी के गाँव में क्या क्या होता है। दादी का गांव शहर से बहुत दूर है। पहले वहां बस नहीं जाती थी, कच्ची सड़कें होती थी। अब तो बसें जाने लगी हैं, अब तो रास्ते भी बहुत अच्छे हो गए हैं। अब पहले हम लोग घोड़े गाड़ी से जाते थे, कच्ची सड़कों पे चल के जाते थे, पर अब तो बसें हो गई हैं वहां जाने के लिए। अब वहां बसें जाती हैं। गांव में बिजली भी आ गई है, गांव में सड़क भी बन गई है। अब तो गांव में बिजली भी आ गई है, अब तो वहाँ पे हर घर में भी टीवी भी देखने को मिलेगा, टेलीविज़न सभी लोग देखते हैं, पंखे भी चलते हैं, लाइट भी जलता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो गांव में सारी सुख सुविधाएं हो गई हैं बेटा। अब हम लोग आराम से रह सकते हैं। गांव में सड़कें बन गई हैं, पक्की सड़कें, जिस पर बस से, ट्रक, सब कुछ जा सकता है। लेकिन अभी तक वहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती। रेलगाड़ी थोड़ी दूर पे रहती है, फिर वहाँ से उतर के बस से या किसी और से हम लोग ऑटो रिक्शा करके फिर जाते हैं गांव में। ठीक है, रेलगाड़ी नहीं जाती आपकी कहानी में जो दिया हुआ है। वहाँ घास फूस के मकान है। घास फूस के मकान कैसे? झोपड़ियाँ हैं घास फूस की मकान। वहाँ एक पाठशाला भी है। पाठशाला क्या? बच्चों को पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय, जिसे हम लोग स्कूल बोलते हैं इंग्लिश में। तो गांव में पाठशाला है, ऐसी होती है, देखो ऐसी होती है। बच्चे बिछा के ज़मीन पे पढ़ते हैं और ठंडी ठंडी हवा मिलती रहती है और शिक्षक पढ़ाते हैं। ठीक है, दिन में लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं और रात को बड़ों को पढ़ाया लिखाया जाता है। देखिए बड़े पढ़ रहे हैं, रात को बड़ों को पढ़ाया लिखाया जाता है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल उन्हें कुछ नहीं आता, तो रात में वो लोग अपने, दिन में खेतों में काम करते हैं, घरों में काम करते हैं औरतें, और रात में वो लोग पढ़ने जाते हैं लोग। ठीक है, गाँव के गलियाँ साफ़ सुथरी हैं, कहीं गंदगी नहीं दिखेगी आपको। गांव की गलियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी होती हैं। दूर दूर तक चारों ओर हरियाली ही हरियाली, पेड़ पौधे रहते हैं, इसीलिए हरियाली ही हरियाली होती है। शहरों में कितना प्रदूषण होता है। गांव की औरतें और आदमी खेतों में काम करते हैं। दिन में वो लोग खेतों में काम करते हैं, ठंडी हवा खेतों में काम करने वालों की सारी थकान दूर कर देती है। जब ठंडी हवा रहती है, वो खेत में कितनी भी मेहनत से काम करे, इनकी थकान दूर हो जाती है।
खेतों के किनारे किनारे आम और जामुन के पेड़ हैं। यहाँ तो आम और जामुन के पेड़ हैं, और भी पेड़ होते हैं खेतों में, कई तरह के पेड़ होते हैं, बट अभी तो आम का सीजन आ रहा है, अभी तो आम मिलेंगे। हमारे किसान खेतों में काम करते हैं, बगीचों में, तभी तो जाके हमें अच्छे अच्छे फल खाने को मिलते हैं, अनाज खाने को मिलते हैं। यहाँ पेड़ नहीं काटते हैं, शहरों में तो पेड़ों को काट काट के बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं, पर यहाँ पेड़ नहीं काटा जाता, इन पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले हैं, ठीक है, इसलिए पेड़ों को नहीं काटा जाता। शाम को पक्षियों की चहचहाट मन को मोह लेती है, बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के लोग बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ भाग दौड़ नहीं है, शांति से सभी लोग अपना अपना काम करते हैं, ठीक है, सब मिलजुल के रहते हैं गांव में, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा गांव में नहीं होता है, सभी लोग अच्छे से मिलजुल के रहते हैं। मुझे बार बार दादी के गांव जाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है बच्चों, आपको भी अच्छा लगता होगा। अभी तो मैं अपने लग रहा था दादी के गांव ही चली गई, आप लोग को भी अच्छा लगा होगा इस पाठ को पढ़ के। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके कठिन शब्दों को लिखते हैं और याद करते हैं। इस पाठ में आए जितने भी कठिन शब्द हैं, ये आपका गृह कार्य है। पाठ में जितने भी कठिन शब्द आपको लगे हार्ड वर्ड, उनका एक बार श्रुति लेख कीजिए और दो दो बार उसे फिर देख के लिखिए और याद कीजिए। कल हम लोग अभ्यास करेंगे प्रश्नोत्तर, ठीक है, धन्यवाद।